Hi friends, welcome to Healthy Cooking, Happy Living. If you really like today's video, please subscribe the channel, hit the notification bell for further updates of new videos, like, comment and share. तो आज का रेसिपी है शोरशे भेटकी। ये मैंने छोटा छोटा पाँच पीस भेटकी फिश ले लिया। इसके लिए मैंने लिया मस्टर्ड पाउडर सनराइज का और वड़ी लिया पाँच पीस फिश के लिए पाँच पीस दाल का वड़ी, मस्टर्ड ऑयल, धनिया पत्ता, कलौंजी सीड, सॉल्ट, हल्दी पाउडर और ग्रीन चिली ले लिया। तो सारे इंग्रेडिएंट्स का डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी। अभी जो पांच छोटा छोटा भेटकी फिश है, इसको बंगाली पे भेटकी माछ बोलते हैं, इसको नमक और हल्दी से मैरिनेट करके मैंने डीप फ्राई करके उठा लिया। अभी कढ़ाई गर्म करेंगे। कढ़ाई गर्म करके इस में मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। ज़्यादातर फिश बंगाली स्टाइल पे आप कुकिंग करोगे तो मस्टर्ड ऑयल से ही कुक करते हैं। अभी जो दाल का जो वड़ी है इसको फ्राई कर लेंगे। तो पांच पीस लिया, आप 10 वड़ी भी ले सकते हो, मैंने 5 वड़ी लिया। इसको लो हीट पे अच्छा करके लाल करके फ्राई करके उठा लेंगे। जब वड़ी फ्राई करोगे, मेरा एक टिप्स है, कभी मीडियम या हाई हीट पे नहीं करना, तो वड़ी जल जाता है। अभी मैंने वड़ी को उठा के रख दिया और तेल पे डाल दिया कलौंजी सीड्स और ग्रीन चिली। अभी मस्टर्ड पाउडर मैंने ले लिया, आप मस्टर्ड पेस्ट भी ले सकते हो। एक छोटा सा कटोरी पे एक चम्मच पानी से पहले घोल लेना पड़ेगा। एक पैकेट सनराइज का मस्टर्ड पाउडर मैंने लिया। आपका जो भी मस्टर्ड पाउडर पसंद है आप ले सकते हो। अगर आप मस्टर्ड पेस्ट लो वो भी बहुत अच्छा है। उस पे मैं डाल दूंगी टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी और नमक। इसको अच्छा करके मिला के घोल बना के मैं मिनिमम आधा घंटा रख दूंगी। तो मस्टर्ड पाउडर आप जब भी यूज़ करोगे कोई भी इंडियन कुकिंग पे, तो कड़वापन अगर ना हो, आप ऐसे चाहते हो, तो इसको पानी से भिगो के रखना पड़ता है। तो मैं मिनिमम आधा घंटा पानी पे भिगो के इसको इसका घोल को रख दूँगी। आधा घंटा बाद मैं इसको कुकिंग करूँगी। तो मेरा जो तड़का था कलौंजी सीड्स यानी काला जीरा जो बोलते हैं बंगाली में, वो अच्छा करके पक गया। और फिर मैं ये डाल दूंगी, ये घोल डाल दूंगी, एकदम हीट को एकदम कम करके, और ऊपर से डाल दूंगी गरम पानी। इस पे ऑलरेडी मैंने नमक हल्दी मिला लिया, तो अभी नहीं मिलाऊंगी। अभी मैंने 3 ग्लास गरम पानी इस पे डाल दिया। अभी इसको अच्छा करके मीडियम हीट पे पकाऊंगी। अभी इस घोल को हाई हीट पे नहीं पकाना, हाई हीट पे पकाएंगे तो थोड़ा कड़वा हो जाता है। अच्छा करके मीडियम हीट पे इसको पका के फिर मैं इस पे फिश ऐड कर दूंगी। सारे इंग्रेडिएंट्स का डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया, आप देख लीजिएगा प्लीज़। और ये डिश राइस के साथ बहुत ही अच्छा जाता है, स्टीम राइस के साथ। अगर आपको अच्छा लगे ये डिश बना के तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एक बार तो ट्राई ज़रूर करना। कोई भी फिश आपका पसंदीदा कोई भी फिश के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप बड़े बड़े पीस भी ले सकते हो, कोई भी बड़े फिश का, जैसे रोहू का, कतला या भेटकी का। अभी इसको अच्छा करके स्टार करके मिला लूँगी। अच्छा करके मिला के फिर इसको थोड़ा उबालना है। ये इतना पानी पानी नहीं रहेगा, उबाल के थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपको पानी पानी जैसे झोल बोलते हैं पतला पसंद है तो वो भी आप रख सकते हैं। अभी मैं डाल दूंगी जो पांच बड़ी मैं डीप फ्राई करके उठा के रखा था वो डाल दूंगी। ये जब तक उबालेगा तो इसके उबालने के साथ ये बड़ी भी सॉफ्ट हो जाएगा। इसको अच्छा करके फ्राई करके फिर ऐसे झोल पर डालिएगा कि टेस्ट अच्छा है, नहीं तो कच्चा स्मेल आ जाएगा। अभी मैंने एक बार उबाल लिया अच्छा करके, अभी सिम करके रख दूंगी। सिम करके इसको 5 मिनट अब रख दीजिए।
अभी अच्छा करके मिला लीजिए, बी केयरफुल कि वड़ी ना टूट जाए। अभी फिश डाल दीजिएगा। एक टिप्स मैं इधर देती हूँ, फिश को मैंने नमक हल्दी से मस्टर्ड ऑयल पे, सरसों का तेल पे फ्राई करके उठा के रखा था। जिस प्लेट पे रखा, थोड़ा ग्रेवी लेके ऐसे मिला के फिर कढ़ाई पे डाल दीजिएगा, तो फिश अब जो फ्राई किया उसका ऑयल, जूस, सब कुछ वो ग्रेवी पे चला जाएगा और टेस्ट बढ़ जाएगा। अभी देखिए मैंने हीट एकदम लो हीट कर दिया, ऐसे खुद से उबल रहा है। फिश ऑलरेडी कुक्ड है, फिर भी फिश थोड़ा जैसे जूस एब्जॉर्ब कर लेगा, सरसों का और सरसों का तेल का जो जूस है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ये सब विंटर सीजन पे बहुत अच्छा लगता है, ठंडे पे सरसों वाला कोई भी सब्जी हो, फिश हो, चिकन हो, खाना बहुत ही अच्छा लगता है। अभी फिर मैंने उबाल लिया, अभी देखिए झोल कितना कम हो गया, वो लिक्विड कम हो गया। अभी मैं इसको प्लेट से ढक दूंगी। दो ग्रीन चिली मैंने ऐड कर दिया और 2 टेबलस्पून सरसों का तेल भी ऐड कर दिया। आपका ऐसे सरसों वाला कोई भी डिश हो, एकदम जब कुक हो जाए, कुकिंग कंप्लीट हो जाए, आप सरसों का तेल डाल के प्लेट देके ढक के रख दो और गैस बंद कर दो, तो जब आप खाओगे तो बहुत अच्छा स्मेल फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा लगता है। जिन लोगों को सरसों का पेस्ट वाला खाना पसंद है, जैसे फिश का, चिकन का, सब्जी पे ऐसे चीज़ पसंद है, उनको बहुत ही अच्छा लगता है। अभी मैं धनिया का पत्ता चॉप करके डाल दूंगी। विंटर सीजन पे धनिया का पत्ता का कितना अच्छा फ्लेवर आता है, तो मैंने चॉप करके डाल दिया। अभी मैंने ढक्कन लगा के गैस पूरा बंद कर दूंगी और जब आप खाएंगे तब इसको देखिए ऐसे प्लेट पे निकाल लीजिएगा। याम, देखिए कितना गाढ़ा हुआ ये फिश वाली जो डिश है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय।